पेल्सी का वीडियो है ये। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कायिक जनन के बारे में। समझ लेते हैं, कायिक जनन एक्चुअल में है क्या? मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी पौधा है तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पौधा मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर इस पौधे की रूट भी है, मान लेते हैं ये रूट है। कि तो यहाँ पर बताया कि कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। पौधे की पत्ती द्वारा, तने द्वारा या जड़ों द्वारा अगर किसी नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता। इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इस जनन द्वारा निर्मित इनकी खास बात यह होती है कि ये पादप प्रायः आकार की एवं अनुवांशिकी में मात्र पादप के समान होते हैं। यानी कि इनसे जो नया पौधा उत्पन्न होगा ये बिल्कुल अपने जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली अपने मात्र पादप के समान होगा। यह प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से उगाए जा सकते हैं, इनका निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसके दो टाइप होते हैं, कायिक जनन के दो प्रकार होते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एवं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन। देखते हैं, ये कायिक जनन पादपों में स्वतः होते हैं। यह प्रवर्धन या पादपों के निम्नलिखित अंगों द्वारा होते हैं। ये अपने आप होते हैं, इसमें मानव को कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होते हैं। तनों के बारे में समझ लेते हैं कि तनों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। पादपों में तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। उन तनों के प्रकार निम्नलिखित हैं। देखते हैं, भूमिगत तना। अब भूमिगत तनों में किस प्रकार से होते हैं? विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने जो कायिक जनन करते हैं। इसमें पहला देखिए है कंद। कंद के पांव या आंखों में कलकाएं पाई जाती हैं। अब कंद क्या है? आपने आलू देखा होगा, आलू में इस प्रकार की रचना पाई जाती है। देखिए, इस प्रकार की एक आंख के समान रचना पाई जाती होगी, ये आपने देखा होगा। यहीं से कुछ कलिकाओं का निर्माण होने लगता है, अनुकूल वातावरण मिलते ही। और इस कलिका से ही क्या होगा, एक नए पौधे का यहां से निर्माण होने लगेगा। ये नया पौधा उत्पन्न हो गया, नए पौधे का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के पौधे से क्या हुआ, नया पौधा उत्पन्न हो गया। तो कंद ये क्या है, आलू एक भूमिगत तना है और इसी से नए पौधे का निर्माण हुआ, कंद द्वारा हुआ। तो ये तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट है प्रकंद। प्रकंद में क्या होता है, प्रकंद मुख्य भूमिगत तना होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति हेतु भोजन संचय कर लेता है। प्रतिकूल यानी कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आवास ना मिले, सुरक्षा ना मिले और भोजन ना मिले, तो इस कंडीशन को प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। इन पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे अदरक, अदरक को भी अगर हम भूमि में गाड़ देते हैं तो वो धीरे 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 उनसे नई बड्स का, नए मुकुल का निर्माण होता है और नए पौधा भी उससे उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति वो क्या करेगा, भोजन को संचित कर लेगा और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो नए पौधे का विकास कर लेगा। अगला देखते हैं हम लोग घनकंद। इसमें यह भूमिगत तनों का रूपांतरण है जो ऊर्ध्व वृद्धि करता है, यानी इस प्रकार से ऐसी वृद्धि करता है। वृत्ताकार पर्वों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो संतति पादपों का निर्माण करती है। ये भी अदरक के ही लगभग समान होता है, अरबी जिसको घुइयां भी बोलते हैं, अरबी में ऐसा ही होता है। अगला देखते हैं शल्ककंद। शल्ककंद में क्या होता है, शल्ककंद भूमिगत प्रारोह है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें शल्क भी होते हैं जैसे प्याज, आप इनको एक एक लेयर उतारते जाएंगे तो आपने देखा होगा शल्क के समान संरचनाएं होती हैं, ऐसा प्याज में होता है। अब आज हम लोगों ने
भूमिगत तनों के बारे में और तने के बारे में कायिक जनन को समझा। आप इतना जो आज मैंने इस वीडियो में बताया है, इसको आप कॉपी पर फेयर नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।